एक्सरसाइज 5.2 का कौन सा आप पूछेंगे? तीसरे का, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है ना। देखो तीसरे में टोटल कितने क्वेश्चन है? पांच प्रश्न है, ठीक है। पांचों एक ही तरीके के हैं लगभग लगभग, तो एक अच्छे से समझ लो फिर करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को, यानी जो ब्लैंक बॉक्सेज है उसमें कौन सी संख्या आएगी, ये आपको ध्यान करना है। तो अब तीसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। क्या है? पाँच है, फिर बॉक्स है, मतलब बॉक्स में कोई संख्या आएगी, क्या आएगी वो आपको ज्ञात करना है, और नौ सही एक बटा दो। अब प्रश्न खुद कह रहा है, देखो लैंग्वेज पढ़ो इसको, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणियों में बोल रहा है ना, इसका मतलब हमें सार्वंतर तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, और पता भी करेंगे तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, दोनों ही गायब, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे तो अभी पता नहीं होगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, तो ये समांतर श्रेणी मानते हुए ही करना है। तो इसमें मुझे बताओ कि प्रथम पद आपको दिया हुआ है क्या? हाँ। कितना? पांच दिया हुआ है। दूसरा पद आपको दिया हुआ है क्या? नहीं, नहीं दिया हुआ। नहीं। तीसरा दिया हुआ है क्या? नहीं। चौथा पद दिया हुआ है क्या? हाँ। ठीक है, तो कौन सा चतुर्थ पद आपको दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? किससे लिखते हैं भाई जरा बताना, A4 से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है? 9 सही एक बटा दो दिखा हुआ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, पहला और चौथा दिया हुआ तो पहला और चौथा लिख लिया। अगर पहला और तीसरा दिया हुआ होता तो पहला और तीसरा लिखते, पहला और आठवां दिया हुआ होता तो पहला और आठवां लिखते। जो भी दिया हुआ है आपको, जो दिख रहा है वो लिख लेना है। अब आपको पता है कि चौथे पद का मतलब A+3D होता है, यही होता है ना चौथे पद का A+3D होता है चौथे पद का। ए आपके पास ये कितना दिया हुआ है आपको? 9 से 1 बटा दो। A4 को A+3D लिख लिया। अगर यहाँ A5 होता तो A+4D, A10 होता तो A+9D, यानी जितना पद होता उससे एक कम डी, ठीक है ना। अब आपके पास A है क्या इसमें कहीं? कितना? प्लस का 3D, डी नहीं है तो चलने दो, ये इसको गुणा कर दो, 9 × 18 = 1 19 / 2, मिश्र बिन को साधारण बिन में बदल दिया। अब संख्या की दोस्ती संख्या से, मतलब संख्या का पक्षांतरण संख्या की तरफ कर दो, तो 3D बराबर कितना है? 19 / 2, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो उधर जाएगा तो माइनस। अब देखो कैसे घटाओगे, 2 को 5 से गुणा करो, कितना हो गया? 2 × 5, अब 19 में से 10 जाएगा तो 9/2। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर ये 10 इस 19 में जुड़ता, माइनस है इसलिए 19 में से 10 कट गया, तो 3D बराबर कितना है भाई? 2/2। अब D इधर किससे चिपका पड़ा है? गुणा है ना, तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में, मतलब नीचे आ जाएगा, नीचे वाली संख्या से तो गुणा आएगा, ऊपर के भाग में आ जाएगा, 3 × 3। तो देखो डी का मान कितना आया? अब आपके पास ए है, डी है, अब आप मर्जी है जैसा पद ज्ञात कर लो। ये कौन सा पद है बॉक्स वाला? दूसरा ए टू। तो ए टू हमें पता करना है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? A+D। ए कितना है? 5, और डी कितना आया? 2 × 5 और 3 × 13/2, तो बॉक्स में एक तो कितना आ गया? ये कौन सा पद है? तीसरा A3। A3 का मतलब A+2D, एक कम डी, 2D, तो A मतलब 5 + 2 × D मतलब 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 = 8, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह के बाकी प्रश्न भी है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया हुआ है वो पहले लिख लो, वहाँ से आपको डी पता हो जाएगा या ए पता हो जाएगा, जो भी है, फिर आराम से कोई सा भी पद पूछे, ठीक है। चलो थैंक यू, उतारो।